तो फाइनली फ्रेंड अभी आप देख सकते हैं कि अब लगातार 3 दिनों से वर्षा होने के कारण पतरातू डैम भी भर गया था, जिसकी वजह से 3 फाटक उसकी खोल दी गई है और अभी भैरवी नदी का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं। और ये आपका है भैरवी नदी और वो है आपका दामोदर नदी, इन दोनों यानी बिल्कुल सपाट नज़र आ रहा है क्योंकि दोनों का जलस्तर पूरी तरह से बढ़ गई है और आज भी पानी का संभव और भी आने का है। अगर आज वर्षा होती है तो हमें लगता है और भी ज़्यादा बारिश हो सकती है, तो और हो भी ये भी। और फाइनली अगर भी आप देख सकते हैं, मैं अभी शेड के पास हूँ, ये शेड के ऊपर पानी आ जाता है। फाइनली हमारे बगल पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर है, या ठीक सामने मंदिर तक पानी पहुँच जाती है और अभी पानी बस थोड़ा सा ही नीचे है, लेकिन इससे 1-2 दिन पहले यहाँ तक पानी आती थी, अभी कम हो गई है। लेकिन उसका जलस्तर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसका भी ये पानी को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है और ये रुक जाता है, जिसके कारण से पानी इधर और स्टॉप हो जाता है और मंदिर की ओर पानी प्रवेश कर जाता है। तो फाइनली हमारे ब्लॉगिंग पर बने रहें। तो फाइनली फ्रेंड अभी आप देख सकते हैं अचानक आई बाढ़ के कारण बहुत सारी दुकानें बह गए और बहुत सारे सामान रखे हुए थे वे सारे बह गए और बहुत सारे लोगों की इस बाढ़ ने जान भी ली। और अचानक बाढ़ आने के कारण लोग इसे समझ नहीं पाए और बहुत सारे नुकसान झेलना पड़ा। तो फाइनली अगर इस तरह की हमेशा अपडेट पाने के लिए अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कभी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए।